अभी के अभी मेरे साथ चलिए, हमें उस इंसान को पकड़ने जाना है जिसने एक जीते जागते पेड़ का कत्ल किया है। लेकिन आपके पास कोई सबूत है? हाँ है ना, ये देखिए। ये पुलिस वाले पोपट अंकल को कहाँ लेकर जा रहे हैं? पोपटलाल को पुलिस लेकर गई, फिर से क्या धतंग किया पोपटलाल ने? शोर क्यों हो रहा है? अरे हाथी भाई, आप ठीक हो गए? हाथी भाई थोड़ी सी दवाई खाई और ढेर सारा खाना खाया, बस ठीक हो गया। यहाँ मेरा कचुम्बर निकल गया और हाथी भाई तो एकदम फ्रेश हो गए। वो तो जैसा जिसका शरीर मुलायम है। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ बड़े मास्टर। अरे मैं बताता हूँ, वो पेड़ बचाओ समिति वाली आई थी, उसको यकीन था कि पेड़ पोपट भाई ने ही काटा है, इसीलिए वो पुलिस लेके आई और पोपट भाई को पुलिस पकड़ के लेके गई। अरे बाप रे, ओ नो, ऐसे कैसे लेके गई? देखा जेठालाल, वही हुआ ना जो मैं कह रहा था तुम्हें। टपकी पापा आप जल्दी जाइए, पोपट भाई को छुड़ा कर लाइए, जल्दी जल्दी। शांति, एक मिनट। बेचारा पोपटलाल मेरी वजह से फंस गया। अगर मैंने पेड़ से पीठ खुजाई नहीं होती तो पेड़ गिरा नहीं होता। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, मैं उन्हें कहूंगा मुझे जेल में डाल दो। ओए, किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई जेल जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। अरे खुदा रोशन, की गेलो थे गेसु, तुम क्यों जेल जाओगे? ओवरियो ओवरियो, जेल जाए तुम्हारे दुश्मन। और रोशन, मैं जेल जाऊंगा मतलब पप्पू को छुड़ाने के लिए। और चलो भाइयों, देश को हमारी बहुत जरूरत है, चलो। ओ सूढ़ी, क्या बॉर्डर पे जाना है क्या? ओ बीड़ू, बॉर्डर पे नहीं पुलिस चौकी चलना है। और तुझे चलना है तो चल, नहीं तो रुक यहीं। आहो ऐसे कहा है, आप भी जाइए ना। मैंने कब मना किया है? और चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। मैं भी आता हूँ नीचे। आओ आओ भी जल्दी आओ, चलो चलो जल्दी चलो। या मुश्किल कुशान की दिखा, मतलब मुश्किल आसान हो जाए उसको पारसी में या मुश्किल कुशान बोलते हैं। ओके, या मुश्किल कुशान। संभाल के जाना, पोपट भाई को लेके आना। हाँ यार, हे माता जी, पोपट भाई को हम सब बहनों ने भाई माना है, उनकी रक्षा करना, उनको सही सलामत वापस लाना माँ। इंस्पेक्टर साहब ये गलत है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आपने तूफान एक्सप्रेस के तूफान को कैच कर लिया है। इस पत्रकार पोपटलाल के नाम से दुनिया भर के गुनहगार कांपते हैं, उनकी दुनिया हिल जाती है। अरे मैंने ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे हैं कि अगर कोई गुनहगार गुनाह करने जा रहा हो वो अगर मेरा आर्टिकल पढ़ ले तो गुनाह करने से रुक जाता है। और आप है कि? ओ भाई चुप हो जा, चुप। कितना बोलता है ये, ककड़ी की बॉडी में किंग कॉन्ग है ये। चुप हो जा, चुप हो जा बोला ना, चुप। आप लोग आ गए, हाथी भाई आप भी आए हैं मुझे बचाने? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे जरा बताइए इनको कि पेड़ कैसे गिरा और कैसे आप पेड़ के नीचे फंसे हैं? मेरे पीठ में बहुत तेजी से खुजली हो रही थी और फिर मुझसे रहा नहीं गया और सामने मुझे पेड़ दिखा और फिर मैंने अपनी पीठ ऐसे ऐसे खुजाया। अरे 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 हाथी भाई, मुझे तो पता ही है, इंस्पेक्टर साहब को बताइए। हाँ तो उसी के लिए है ना। चलिए चलिए, हम लोग गोकुलम सोसाइटी से आए। इंस्पेक्टर साहब, पोपटलाल को छोड़ दीजिए और मुझे जेल में डाल दीजिए। हाथी भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई जेल नहीं जाएगा। भिड़े मास्टर, मैंने हमेशा सही बात बोली है और आज भी सही बात ही बोलूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पेड़ पोपटलाल की वजह से नहीं, मेरी वजह से गिरा है, असली गुनहगार मैं हूँ। क्या क्या
हाँ। अरे हाथी भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या है कि आज सुबह से मेरी पीठ पे बहुत तेज खुजली आ रही थी, तो मैंने अपनी पीठ पेड़ से खुजाई और पेड़ गिर गया। अच्छा ओ भाई, हमें क्या बेवकूफ समझा है? नहीं, ऐसे पीठ खुजाने से पेड़ गिरता है क्या? मैं सच कह रहा हूँ। ओ अच्छा, ठीक है, यहाँ की दीवार से अपनी पीठ घिस के दिखाओ, देखते हैं दीवार गिरती है कि नहीं। और कानून सबूत पे भरोसा करता है, सारे सबूत इनके खिलाफ है, साफ नजर आता है कि इनके हाथ में कुल्हाड़ी है, ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, पैर पहले गिरा था, कुल्हाड़ी बाद में आई थी, आपने टीवी नहीं देखा? हम क्या काम धंधा छोड़कर टीवी देखते रहे? एक एक मिनट, अरे भिड़े, और रिटायर रिपोर्टर को फोन लगाना भाई, और रिपोर्टर ने सब शूटिंग किया है, उसको बोलो कैसेट लेके आ जाए, और इंस्पेक्टर सबको बता दो, सब पता चल जाएगा इनको। हाँ, हाँ, करो जल्दी करो भिड़े। नंबर, हाँ भाई, नंबर है तेरे पास? हाँ हाँ, मेरे पास नंबर है। हाँ हाँ, बुला बुला, उस ब्रेकिंग न्यूज़ को जल्दी बुला। स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तो फोन चालू करके लगा ना भाई। अरे उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है जेठालाल। माला ही कंफ्यूज करते है। ऐसे ही होता है, जब सबूत नहीं होता तो या तो फोन स्विच ऑफ आता है या बिगड़ जाता है। हाँ सर, आपके पास जो सबूत है हमने वो देखा, लेकिन कई बार जो नजर आता है वो सच नहीं होता, हकीकत कोई और होती है। मान लीजिए ये भिड़े रास्ते में जा रहा है, उसकी जेब से पर्स गिर जाए। अरे भाई वो डर रहा है, उसको छोड़ो, मेरा पर्स गिराओ, चलो। अच्छा भाई कल करो, चलो भाई। जेठालाल सड़क पे जा रहा है, उसकी जेब से पर्स गिर जाए और इसे अय्यर पर्स उठा के दे। अब देखने वाले तो यही समझे ना कि अय्यर के हाथ में पर्स है, तो पर्स इसी ने चुराया होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए आप लोग कोई ठोस सबूत लेकर आओ तो मैं इनको छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। जा सकते हैं प्लीज। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? प्लीज जाइए। अरे पर भाइयों, कुछ भी करके कोई ना कोई सबूत ढूंढ कर ही आइएगा प्लीज। उसी के लिए तो जा रहे हैं। और पापा को चिंता मत कर, और तेरे लिए हम माला चीर के भी सबूत ढूंढ के लाएंगे। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो भाई, चलो। अरे थोड़ा जल्दी आइएगा, जल्दी आना, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं बेगुनाह हूँ। अरे भाई मैं एक पत्रकार हूँ। ए भाई, और शोर शराबा किया ना तो सजा दुगनी करवा दूंगा। पुलिस ने तो कह दिया कि सबूत लेके आओ, पर इस वक्त कहां से सबूत लेके आए भाई? आखिर का शूट है तो पप्पू फंस गया। अरे हो क्या रहा है? ऐसा ना हो जाए कि पोपटलाल झूठे और हम में से कोई फंस जाए। हाँ तो आप संभालना भाई। जेठालाल मैं क्यों बताएगा? तो हम लोग भी क्यों फंसे? शुभ शुभ बोले अय्यर भाई, अशुभ क्यों बोल रहे हैं? सही बात है अय्यर भाई। अरे मुझे तो अभी भी एक बात खाए जा रही है। क्या? संग तो हाथी भाई, ये बात खाए जा रही है कि आपके सिर्फ पीठ खुजाने से इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर सकता है? मैंने बात तो आश्चर्य की है भरे, लेकिन मेरे ख्याल से उस पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई होगी। आप लोगों ने एक बात नोट की? क्या? अगर पेड़ की जड़ कमजोर हो गई होती तो पेड़ सूखा होता, लेकिन वो पेड़ तो एकदम हरा भरा था, हरा हरा पत्ता से भरा हुआ था। कुछ तो गड़बड़, मेरे को गड़बड़ लगता है। अरे गड़बड़ तो है ना अय्यर भाई, हम लोग कितनी देर वहां पे थे, लेकिन ना फायर ब्रिगेड आया, ना आरटीओ वाले आए, ना पुलिस आई। सही बात है, फायर ब्रिगेड वाले तो कभी लेट नहीं करते, हमेशा मदद के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो? लेकिन आज तो कमाल ही हो गया, उस होटल के मैनेजर के फोन करने के बावजूद भी आए ही नहीं। हाँ चलो एक काम करते ना, हम लोग फायर ब्रिगेड के ऑफिस जाते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं भाई आप लोग आए क्यों नहीं। हाँ हाँ सही बात है, पूछना ही चाहिए भाई। मान लीजिए अगर आज मिलिट्री वाले नहीं आए होते तो मैं तो उस पेड़ के नीचे फंसा ही होता।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलो फिर अभी चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चला 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 पहले। एक्सक्यूज मी सर जी, कहिए कहाँ प्रॉब्लम हुई है, हम रास्ते में बात करेंगे। चलो चलो चलो। नहीं नहीं भाई, प्रॉब्लम तो कब का खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम खत्म हुई, फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? ये जानने के लिए आप वहाँ क्यों नहीं आए। कहाँ? हरियाली होटल के वहाँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था जिसके नीचे हमारे हाथी भाई आ गए थे और आप वहाँ पहुंचे ही नहीं। सही बात है, बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ। आपको प्रॉब्लम था तो हमें फोन करना चाहिए था, कंप्लेंट मिलते हम तुरंत आ जाते। फायर ब्रिगेड हमेशा आम आदमी की सुरक्षा के लिए तैयार है। कमाल है, होटल के मैनेजर ने आपको फोन तो किया था और आपने बोला था कि आप आ रहे हैं लेकिन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सॉरी, हमें ऐसा कोई फोन नहीं है। वाकई हमें कोई फोन नहीं है। है? वो की गल कर रहे हो? आप सच बोल रहे हैं? वो मिस्टर क्या मतलब है आपका? फायर ब्रिगेड कभी झूठ नहीं बोलता, सबकी मदद के लिए फायर ब्रिगेड हमेशा तैयार होता है। इसका मतलब वो जस चील ने कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? हाँ 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 जेठा, हो सकता है। याद है हम लोगों में से जब भी कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करने की कोशिश कर रहा था वो कोई ना कोई बहाना करके हमें रोक रहा था। एक काम करता हूँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। यू जस्ट चिल। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ओ, मगर एक बात समझ नहीं आई कि उसने ऐसा किया क्यों? अरे वो सब बाद में पता लगाएंगे, पहले ये सोचते हैं कि बेचारे पोपटलाल को छुड़ाने के लिए सबूत कहां से लाएंगे। हाथी भाई, अक्सर सबूत वहीं से मिलता है जहां गुनाह हुआ होता है। सही बात है जेठा भाई, मैंने भी एक डिटेक्टिव सीरियल में सेम डायलॉग सुना। वो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें वहीं जाना पड़ेगा जहां पर पेड़ गिरा था? यस सॉरी, एकदम करेक्ट बोला तुमने, हमको वहीं पर जाना पड़ेगा। चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलो चलो, सॉरी सॉरी चलो जल्दी चलो जल्दी। हाँ, बाल बाल बच गए यार। अगर फायर ब्रिगेड आ जाती और पुलिस केस होता ना तो बुरे फंसते हम लोग। और सर, आपने होशियारी करके एक आदमी को बाहर खड़ा कर दिया और उसने किसी को अंदर आने ही नहीं दिया। एक तो गया, और अगर एक दो निकल जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा और फिर अपना होटल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने लगेगा। करेक्ट। अब एक काम कर, मैंने जो बोला है ना वो ठीक तरह से होना चाहिए और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यस सर। चल आ जाओ। हो गया? हाँ सर, हो गया हो गया। चलो चलो निकलो निकलो। देखे हम यहाँ पे कोई बैठने बैठने नहीं आए, और वैसे भी मुझे किसी क्रिमिनल से शादी नहीं करनी है। चलो मम्मी पापा। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। सुनिए, आप लोगों को यहाँ पर मच्छर नहीं काटते? वो पहचानते हैं हमको। लो ये आ गया हरियाली होटल, और 1011 आप करना क्या है? यकीन नहीं होता, कुछ देर पहले मैं यहाँ पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। Thank you.
अरे हाथी भाई बीती बातें भूल जाओ, जो हो गया से हो गया। और आगे ये ध्यान रखना किसी पेड़ से पीठ मत खुदाना। ये देखो क्या क्या हुआ, क्या हुआ भाई? अरे ये देखो इधर पैर से धुआं निकल रहा है। इसमें क्या देखने जैसा है यार भाई? ये मच्छर या कीड़े मरने की दवाई डाली होगी। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। नहीं नहीं, ये कीड़े या मच्छर मारने का दवाई नहीं लगता है। तो क्या है? दोस्तों एक बात गौर की आप लोगों ने, क्या इस एरिया में इतने सारे पेड़ हैं लेकिन धुआं उन्हीं पेड़ों से निकल रहा है जो हरियाली होटल के सामने, बाकी किसी पेड़ में धुआं नहीं है। देखो अरे हाँ ये बात सही है मेहता साहब। सही बात है, वो मैंने वो कहावत सुनी है, अगर यहाँ धुआं उठ रहा है तो जरूर कहीं आग लगी होगी। अरे थोड़ी धुआं यहाँ उठ रहा है तो कहीं और आग कैसे लगेगी, आग यहीं लगी होगी ना। तो यहीं के लिए फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं। अरे भाई इतनी छोटी सी आग के लिए फायर ब्रिगेड का क्या बुलाना, इतनी छोटी सी आग तो यह फायर ब्रिगेड बुझा सकता है। अरे जड़ालाल मजाक बंद करो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं इस मिट्टी का सैंपल लेता हूँ और अपनी लैब में जाकर चेक करता हूँ। वेरी गुड। अरे भाई अंदर वो लोग खाली मिट्टी चेक कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इतना टेंशन क्या ले रहा है तू? जेठालाल अगर उस मिट्टी में सबूत के तौर पे कुछ नहीं मिला ना तो पोपटलाल का क्या होगा, ये सोच के मुझे टेंशन हो रहा है। होगा क्या, अगर उस मिट्टी में से कुछ नहीं मिला तो पोपटलाल की मिट्टी खराब हो जाएगी। सही बात है। ओए समझ नहीं आता ये लोग इतना टाइम लगा क्यों रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही तो देखना है कि मिट्टी में मिला क्या है। कर रहे कर रहे। क्या हुआ ये परीक्षण में क्या प्राप्त हुआ, मतलब क्या निकला मिट्टी में से? हाँ बोलो बोलो भाई। इस मिट्टी में ऐसी चीज मिली है आप लोग सुनेंगे तो आपको भी शौक लगेगा। अच्छा ऐसा क्या मिला है इस मिट्टी में यार भाई? इस मिट्टी में यारो अगर ये बात है तो हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? और चलो हरियाली होटल। अरे सोडी हरियाली होटल जाके क्या खाना खाना है? हरियाली होटल नहीं, चलो पुलिस स्टेशन।
दोस्तों टेंशन दिवाली में फूटने वाले अनार की तरह होता है और एक अनार में से निकलती हुई कई चिंगारियों की तरह इस पेड़ की कहानी में भी परत दर परत नए नए रहस्य खुलते जा रहे हैं। भाई हरियाली होटल के मैनेजर ने फायर ब्रिगेड को गुमराह किया या नहीं आने के लिए। हिंदुस्तानी कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्थिति अभी ऐसी है कि यहाँ 100 गुनहगार भी छूट सकते हैं और एक बेगुनाह यानी कि पोपटलाल को सजा भी हो सकती है। लेकिन अय्यर ने अपनी लैब में परीक्षण करके ढूंढा है कुछ ऐसा जो इस मिट्टी में, लेकिन क्या है वो? फैसला तो किया है गोकुलधाम निवासियों ने पुलिस स्टेशन जाने का, लेकिन क्या ये सबूत काफी होगा पोपटलाल को सजा से बचाने के लिए? और ऐसा क्या है इस मिट्टी में जिसके लिए सब लोगों ने तैयारी कर ली है पुलिस स्टेशन जाने की? हंगामे बहुत सारे हैं, क्या होगा आगे ये जानने के लिए आपको बस मेरे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक चीज तो तय है, हंसेंगे तो आप सही, लेकिन इस बार थ्रिल भी होगा। हंसी ठाके और थ्रिल सभी एक साथ, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।